नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, निकट आरटीओ ऑफिस, बदली बाजार आजमगढ़, एडमिशन ओपन डालिम सन बेबी स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़, एडमिशन ओपन गोमती ग्रामीण निधि बैंक, निवेश और सिक्योर्ड लोन के लिए संपर्क करें जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर आजमगढ़, एडमिशन ओपन विजय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड मातृत्व आईवीएफ सेंटर, लचनापुर हीरापट्टी आजमगढ़, वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, मोतीबहल डिलक्स रेस्टोरेंट सदावर्ती चौक आजमगढ़, फ्री होम डिलीवरी और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। नौकरी का लालच देकर बलात्कार करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यशवंत कुमार सरोज ने तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश त्रिपाठी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले में पीड़िता के पति ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके अनुसार महाराजगंज थाना क्षेत्र की निवासिनी पीड़िता बेरोजगार है। नवम्बर 2022 में पीड़िता से एक व्यक्ति ने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक को नौकरी देने का अधिकार है, आप उनसे मिल लें। इस बात पर विश्वास करके पीड़िता जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश त्रिपाठी से मिली, तब जिला विद्यालय निरीक्षक ने उससे अपने आवास पर बुलाया और पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुराचार किया। मामले के तथ्यों को देखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को आरोपी तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश त्रिपाठी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके जांच करने का आदेश दिया। न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। आजमगढ़ जिले में पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आज लगातार दूसरे दिन मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश हसीब पकड़ा गया। पैर में गोली लगने से घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसने चोरी की कई घटनाओं में शामिल होना स्वीकार किया। इससे पहले गुरुवार को भी जिले में दो अलग अलग मुठभेड़ में 25,000 के दो इनामी समेत तीन बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुए थे। पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से अपराधियों में दहशत है। 10 फरवरी को कस्बा लालगंज में चोरी करने की योजना बना रहे कुछ चोरों को पुलिस ने पकड़ा था, जिसमें एजाज अहमद, शाहिद आदिल तथा विश्वनाथ गुप्ता शामिल थे। इस दौरान हसीब उर्फ शेरू व छेदी आकिल वाकिफ मौके से भागने में सफल हो गए। शुक्रवार सुबह देवगांव थाने के प्रभारी निरीक्षक गजानन चौबे अन्य पुलिसकर्मियों के साथ लालगंज भीरा मार्ग स्थित कबीरा पुलिया देवगांव बर्दा बॉर्डर पर मौजूद थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि फूलपुर पुलिस मुठभेड़ से फरार बदमाश बाइक से लालगंज की तरफ आ रहा है। इस सूचना पर पुलिस की दो टीमें सतर्कता के साथ वाहन चेकिंग करने लगी। कुछ देर बाद एक तेज रफ्तार बाइक भीरा की तरफ से आती दिखी। निरीक्षक अपराध रुद्रभान पांडे ने रोकने की कोशिश की तो बाइक चालक ने अपनी गति और तेज कर दी। पुलिस टीम ने उसे चारों तरफ से घेरा तो वो कच्चे रास्ते पर मुड़ गया, बाइक अनियंत्रित हो गई और वो गिर गया। लगभग 1:30 बजे थाना देवगांव क्षेत्र में देवगांव बर्दा मार्ग पर पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें अंतर जनपदीय गैंग का सदस्य हबीब उर्फ शेरू पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है व इसके बाएं पैर में गोली लगी है। हबीब उर्फ शेरू नट बस्ती जियनपुर का रहने वाला है व इसके ऊपर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। यह अभियुक्त फूलपुर, मुबारकपुर व देवगांव से वांछित चल रहा था। मुबारकपुर से यह गौवध निवारण अधिनियम के मुकदमे में वांछित चल रहा था। फूलपुर से 307 का मुकदमा था व देवगांव में चोरी का मुकदमा इसके ऊपर था। इस पूरे गैंग के सभी सदस्यों की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी करी जाएगी व गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी व इनके प्रॉपर्टी जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। दहेज हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने चार आरोपियों को 10-10 साल के सश्रम कारावास तथा 1,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। ये फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी हरीश चंद्र निवासी दुल्हा पार्क थाना कंद्रापुर की भतीजी अनीता की शादी वर्ष 2009 में रामजीत उर्फ संजय पुत्र रामाश्रय निवासी जमुआ सागर थाना बिलरियागंज से हुई थी। शादी के बाद 2,00,000 रुपए की मांग को लेकर ससुराल में अनीता का उत्पीड़न किया जाने लगा। अनीता के पिता ललन ने किसी तरह से 90,000 रुपए दिए। शेष लगभग 1,00,000 रुपए न देने पर 19 जुलाई 2011 को ससुराल में मिट्टी का तेल अनीता की जलाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद पति रामजीत समेत 5 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की। दौरान मुकदमा एक आरोपी निरहू की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता पीयूष प्रियदर्शी त्रिपाठी ने वादी मुकदमा हरीश चंद्र यादव, अनिल कुमार यादव, ललन यादव, मणिलाल यादव, डॉक्टर यूबी चौहान, नायब तहसीलदार अलोक कुमार, कांस्टेबल उमाशंकर यादव, क्षेत्राधिकारी देवेश कुमार, उप निरीक्षक रामदास गोंड तथा विवेचक राम रत्नाकर को बतौर गवाह न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति रामजीत उर्फ संजय, ससुर रामाश्रय, सास सितमी देवी तथा चचिया सास कमली को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
शनिवार को जनपद के 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए विशेष स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के बाबत विस्तृत जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आयन तिवारी ने बताया कि शिविर के जरिए जटिल रोगों से पीड़ित मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क इलाज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जनपद में अधिकांश आयुष्मान लाभार्थियों के कार्ड बनाए जा चुके हैं। जानकारी के अभाव में लोग अपने आयुष्मान कार्ड का भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसे बढ़ावा देने के लिए मेहनगर, मार्टिनगंज, कोयलसा, फूलपुर, तहबरपुर, जहानागंज, लालगंज और बिलरियागंज में एक दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रसिद्ध चिकित्सकों की टीम द्वारा आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों की जांच की जाएगी, साथ ही दवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वास्थ्य शिविर में हृदय रोग विशेषज्ञ, न्यूरो सर्जन, फिजिशियन, ऑर्थो सर्जन, जनरल सर्जन, नेत्र सर्जन द्वारा आयुष्मान लाभार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। ECG, रक्तचाप और नेत्र संबंधी जाँच भी की जाएगी। निर्देश पर जनपद के 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जनपद के इंपैनल्ड प्राइवेट चिकित्सालयों के माध्यम से आयुष्मान रोगियों के लिए एक स्क्रीनिंग कैंप लगाया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञ टीम के द्वारा उनकी जांच की जाएगी। आशाओं द्वारा, ग्राम प्रधानों द्वारा उक्त कैंप में आयुष्मान लाभार्थी लाए जाएंगे। जाँच के दौरान स्क्रीनिंग में चिन्हित किए गए रोगी जिनका इलाज भर्ती करके या ऑपरेशन करके किया जाना है, उन्हें संबंधित चिकित्सालय में आयुष्मान के इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में रेफर किया जाएगा और उनका उपचार कराया जाएगा। सर, कैंप किस किस जगह लग रहा है? सर, कैंप आपका मेहनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, मार्टिनगंज, कोयलसा, फूलपुर, तहबरपुर, जहानागंज, लालगंज और बिलरियागंज। शुक्रवार को दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे अधिवक्ताओं ने ग्रामीण न्यायालय का पुरजोर विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की और कहा कि वो अपनी जायज मांग को पूरा करा के रहेंगे, चाहे विरोधी कितने भी ताकतवर क्यों न हो। दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह के नेतृत्व में आंदोलनरत अधिवक्तागण दीवानी कोर्ट से जुलूस की शक्ल में सड़क पर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में मांग की गई कि जल्द से जल्द ग्रामीण न्यायालय के प्रस्ताव को वापस किया जाए। प्रभाकर सिंह ने कहा कि तहसीलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजकर जिस तरीके से ग्रामीण न्यायालय के गठन की तैयारी की जा रही है, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होगी। तहसीलों में मजिस्ट्रेटों के उठने बैठने और चैम्बर की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है, पूरे तरीके से अफरा तफरी का माहौल रहेगा। अगर त्वरित न्याय की मंशा को पूरा करना है तो हर प्रदेश में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन हो, हर जिले में हाई कोर्ट का गठन हो, जिससे न्यायिक कार्यों का विकेंद्रीकरण आसानी से हो सके। ग्रामीण न्यायालय के विरोध में पूरे जनपद के सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत हैं। शासन प्रशासन से यह मांग करते हैं कि हमारे यहाँ के मजिस्ट्रेट जब तहसीलों पर जाएंगे, उनके रहने, उठने, बैठने, चैम्बर, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ भ्रष्टाचार बढ़ेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होगी। न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी अधिवक्ता समाज पे है, उस अनुक्रम में हम उसका विरोध करते हैं। अगर आपको अदालतें बढ़ाना है, सिविल कोर्ट परिषद में अदालतें बढ़ा दें। अगर गांव तक न्याय को पहुंचाना है तो उसे हर प्रांत में एक सुप्रीम कोर्ट बना दें, हाई कोर्ट की एक एक शाखा हर जिले में बना दें, तब तो विकेंद्रीकरण होगा। केवल सिविल कोर्ट से यहां फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेटों को वहां भेजना यह अनुचित। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने 3 अपराधियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। ये अपराधी अवैध शराब तस्करी, बिक्री और निर्माण करने सहित विभिन्न संगीन आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं। जिन लोगों पर पुलिस अधीक्षक द्वारा इनाम घोषित किया गया, उनमें अभियुक्त छोटू सिंह उर्फ शिवम पुत्र अरुण सिंह निवासी कोठी हार थाना बिलरियागंज के विरुद्ध थाना बिलरियागंज में हत्या का प्रयास, अवैध शराब निर्माण, बिक्री व तस्करी जैसे संगीन अपराधों में संलिप्त है। दूसरा अभियुक्त राममिलन चौरसिया पुत्र सीताराम चौरसिया निवासी बरोही फतेहपुर आजमगढ़ थाना बिलरियागंज महाराजगंज रौना पार में अवैध शराब तस्करी, अवैध शराब निर्माण, गैर इरादतन हत्या, NDPS एक्ट, गैंगस्टर एक्ट से संबंधित 30 अभियोगों में वांछित शातिर एवं जघन्य अपराधी हैं। तीसरा अपराधी प्रदीप यादव पुत्र रामबदन यादव निवासी शहाबुद्दीनपुर थाना बिलरियागंज गोरखपुर व मऊ में अवैध शराब तस्करी, अवैध शराब निर्माण, गैर इरादतन हत्या, NDPS एक्ट, गैंगस्टर एक्ट से संबंधित 33 अभियोगों में वांछित शातिर व जघन्य अपराधी है।
विगत कुछ वर्षों में भारतीय चिकित्सा जगत की पहचान दुनिया में मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में तेजी से उभरी है। खाड़ी, साक एवं अफ्रीकी देशों से बड़ी संख्या में लोग भारत के मेट्रो शहरों में इलाज के लिए आ रहे हैं और इसी कड़ी में मेडिकल टूरिज्म के एक नए गंतव्य के रूप में आजमगढ़ ने भी अपनी पहचान बना ली है। जी हां, बात कर रहे हैं आजमगढ़ स्थित लाइफलाइन हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर की, जो न सिर्फ पिछले कुछ वर्षों से तमाम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित होते हैं, गिनीज बुक तक में अपना नाम दर्ज करा चुका है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप इलाज देते हुए वैश्विक स्तर पर आजमगढ़ की एक नई पहचान की इबारत लिख रहा है। न्यूरोसर्जरी के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे लाइफलाइन हॉस्पिटल में बांग्लादेश से आए एक मरीज लियाकत अली एवं उनकी पत्नी हुस्न बेगम के कमर का सफल इलाज हुआ। आपको बता दें कि ये मरीज कई वर्षों से अपने कमर एवं पैर दर्द से परेशान थे। ये लोग अपने इलाज के लिए बांग्लादेश के साथ साथ भारत के कई मेट्रो सिटी में स्थित अस्पतालों में डॉक्टरों से मिले, लेकिन सभी मरीजों की तरह भी इन्हें भी ये भ्रांति थी कि कमर के ऑपरेशन कराने के बाद मरीज की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। इस बीच ये लोग अपने साथी हस्तु जमान से मिले, जो 6 महीने पूर्व न्यूरोसर्जरी के क्षेत्र में दिमाग का सबसे जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक लाइफलाइन हॉस्पिटल में करवा के 10 दिनों के भीतर अपने देश वापस लौट गए। उनसे पूर्ण रूप से सहमत होकर और वीजा की प्रक्रिया पूर्ण करके लियाकत अली अपने और अपनी पत्नी के इलाज के लिए सीधे लाइफलाइन हॉस्पिटल आए। जांच की प्रक्रिया होने के बाद पहले लियाकत अली और 4 दिन बाद उनकी पत्नी का आधुनिकतम मशीनों और तकनीकों के द्वारा ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। एक तरफ इस सफल ऑपरेशन के बाद ये परिवार अब अपने देश जाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना एवं तकनीकों के प्रयोग से लाइफलाइन हॉस्पिटल अब वैश्विक स्तर पर सफल ऑपरेशनों की फहरिस्त तैयार करते हुए उत्तर प्रदेश एवं देश की नई पहचान बनाने में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। ऑपरेशन की टीम में न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप, डॉक्टर आकाश, डॉक्टर अजफर, एनेस्थेटिक डॉक्टर गायत्री और ओटी स्टाफ शामिल थे। मेडिकल टूरिज्म देश का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता जा रहा है, क्योंकि आप जान गए कि खाड़ी देशों, सार्क देशों और अफ्रीकन देशों में उतनी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण इन देशों के लोग भारत की तरफ मुख कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज में ट्रीटमेंट बहुत ही कास्टली साबित हो रहा है। तो अभी तक ये पेशेंट देश के बड़े शहरों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि मुंबई, पुणे, दिल्ली, नोएडा, इन सब क्षेत्रों में आते थे और वहां ऑपरेट कराते थे, लेकिन ये चीज पहली बार हो रही है कि पूर्वांचल में और खासकर आजमगढ़ जैसे जनपद को ये चूज कर रहे हैं। और एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण लाइफलाइन हॉस्पिटल में, जो कि एक उस लेवल का है जो कि जिसमें आप वैश्विक सर्जरीज को और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण हम लोग एक बेहतर ट्रीटमेंट और बेहतर रिजल्ट्स के साथ उनको ट्रीटमेंट देने में सक्षम हो पा रहे हैं। अभी तक 3 पेशेंट जो बांग्लादेश से आए लाइफलाइन में, और रिसेंट में पूरा परिवार, जो कि तमाम उन भ्रांतियों को तोड़ते हुए कि भाई कमर का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, कमर के ऑपरेशन में तमाम दिक्कतें आती हैं, उन भ्रांतियों को तोड़ते हुए इतने दूर से बांग्लादेश से हमारे पास आया, यहाँ पे एक उनका एक बहुत ही अच्छा एडवांस तकनीकों से, जिसमें MIS तकनीक शामिल है, उससे भी इनका ट्रीटमेंट किया गया। अब ये पूरी तरह स्वस्थ होकर के इस ऑपरेशन के बाद पति पत्नी दोनों ही 5 दिन के अंतराल पर दोनों ही ने अपना ऑपरेशन कराया, और इस मिथक को तोड़ते हुए कि नहीं, कमर का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, इस मिथक को तोड़ते हुए कि भाई इस देश का एक सुदूरवर्ती क्षेत्र आजमगढ़ है। इन्हें पहले इनके अपने शहर के एक व्यक्ति जो हुस्न जमात जी थे, उनका ऑपरेशन लाइफलाइन में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन लाइफलाइन में हुआ, जो कि मेट्रोस में उनको एक बहुत ह्यूज ट्रीटमेंट कास्ट बताया गया था, जिसके कारण वो उनको लगा पहले वो नहीं करा पाएंगे, लेकिन उनको फिर लाइफलाइन के बारे में जानकारी हुई। पहले वो यहाँ आए और एक काफी सफल ऑपरेशन के बाद जब वो अपने देश वापस लौटे, तो उनके अनुभव के साथ ये पूरा परिवार लाइफलाइन आया, और ये खुद में एक आश्चर्य की बात थी कि पति पत्नी दोनों साथ में आए और पति पत्नी दोनों ने अपना अपना ऑपरेशन करवाया। वो यहाँ पे आए और उसका ऑपरेशन उन्होंने यहाँ कराया, और अब पूरी तरह स्वस्थ होकर के ये वापस अपने देश जा रहे हैं। कितने घंटे ऑपरेशन चला और कितना सक्सेसफुल था? इलेक्टिव सर्जरी आमतौर पे क्रिटिकल नहीं होती है, पेशेंट चलता फिरता आता है, और ये हम उम्मीद भी करते हैं कि पेशेंट चलता फिरता जाए, लेकिन कमर के ऑपरेशन में आमतौर पे पेशेंट को अपने नॉर्मल रूटीन पे लौटने में लगभग 2-3 हफ्ते भी लग जाते हैं कमर के दर्द और तमाम चीजों के कारण। लेकिन जो MIS तकनीक से लियाकत अली जी का ऑपरेशन हम लोगों ने किया, वो लगभग 10-12 घंटे का एक ऑपरेशन था,
जिसमें उनको बहुत ही छोटे छोटे इंसिजन के साथ उनकी पूरी हड्डियों को फिक्स किया गया और इस तकनीक के माध्यम से वो महज 24 से 48 घंटे में पूरी तरीके से नॉर्मल थे। उनको ऑपरेशन का दर्द भी कुछ खास नहीं था और इवन तीसरे दिन तक तो वो उनको देख के कोई नहीं कह सकता था कि इनका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। इसी तरीके से उनकी जो पत्नी थी उनका कन्वेंशनल तरीकों से ऑपरेशन किया गया, लेकिन उसमें भी स्किल एक बड़ा पार्ट था जिसके कारण उनको भी उनका भी ऑपरेशन तीसरे चौथे दिन तक जाते जाते उनका भी दर्द पूरी तरीके से खत्म था और वो नॉर्मल रूटीन पे पूरी तरीके से थे। तो एक हम उम्मीद करते हैं कि कमर का ऑपरेशन इसी तरीके से हो भी जिसमें पेशेंट पूरी तरीके से अपने नॉर्मल रूटीन पे हफ्ते भर के अंदर लौटने में सक्षम हो जाए और इसको हम लोग लाइफलाइन में इसी तरीके से करते हैं। जी, मैं मोहम्मद लियाकत अली बांग्लादेश नौगांव जनपद से रहने वाला हूँ। आप पति पत्नी दोनों यहाँ इलाज करने आए, क्या दिक्कत थी दोनों? हम लोग को चलने फिरने की बहुत तकलीफ थी, यहाँ तक कि लाइफलाइन हॉस्पिटल से रास्ता क्रॉस करने का ताकत भी नहीं थी। अब तो इतना सफल ऑपरेशन हुआ कि कल तो हम आपका आजमगढ़ के आन बान शान सिबली नेशनल कॉलेज भी चक्कर लगा कर आए और वहाँ मौलाना सिबली नुमानी की कब्र भी जियारत किए, वहाँ नमाज भी पढ़ी, बहुत सारे सर के लिए दुआ भी किए। तो आप अपने इलाज के सिलसिले में कहाँ कहाँ गए? इलाज के सिलसिले में मैंने वेलोर, बेंगलोर और बांग्लादेश ढाका में भी। तो कैसे लाइफलाइन के बारे में आपको जानकारी मिली? बताया ना मैंने पहले, मेरे जो मित्र थे उनके समधी यहाँ से इलाज करवा के गए थे। तकरीबन 14 घंटा उनकी ब्रेन की ऑपरेशन हुई तो उस वक्त हमको मेरे भरोसा हुआ कि हाँ यही मेरा इलाज सही हो सकता है। असल माने इलाज का जो मसला है वो विश्वास और मन का भावना का व्यापार है, तो इसी मन का भावना और विश्वास लेकर यहाँ आए हैं और जितना सुने थे उससे बहुत ही ज़्यादा यहाँ हमको महसूस हो रहा है। बल्कि ये हॉस्पिटल नहीं है, ये एक सेवा आश्रम है। यहाँ पूरे डॉक्टर्स जितने भी स्टाफ हैं इतना अच्छा से हमारे सेवा किए और यहाँ के आसपास के लोग इतना मुझे इज्जत किए बांग्लादेशी के हिसाब से, तो मेरा मन भर गया। और ये हॉस्पिटल और ये हॉस्पिटल के जुड़े हुए जितने भी परिवार हैं, ये एक परिवार नहीं है बल्कि क्या कहते हैं एक परिवार जैसे हैं। जैसे परिवार में अगर किसी का कुछ हादसा होता है, कोई भी कष्ट होती है, तो परिवार के सब लोग जैसे टूट जाते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और स्टाफ जो भी है टूट पड़ते हैं। हम इन लोगों के सेवा से बहुत खुश हैं। दोनों पति पत्नी आप लोग? हाँ हम लोग सही हैं, स्वस्थ हैं। अब ना है कि उन्होंने हमारे लिए जो इलाज की है और जो प्लान बैठाई है, तो ये तो मेरा जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। जब भी हम नमाज पढ़ने के लिए सर झुकाएंगे तो सर की यादें, मुझे सर की यादें और उनके प्लान की बहुत यादें आएंगी और दिल से मेरी यही दुआ निकलेगी। कोई हाथ जोड़कर दुआ मांगते हैं, हम हाथ फैला के दुआ मांगते हैं उनके लिए। मेरे बहुत बहुत दुआ, मतलब हम किस भाषा से बोले या आप सबको समझा नहीं पाते हैं। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने अवगत कराया है कि प्रदेश में अध्यासित परिवारों हेतु फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान प्रारंभ की गई। इसके कार्यान्वयन हेतु शासन स्तर से विस्तृत शासनादेश किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अध्यासित परिवार लगभग 3,59,00,000 परिवार एवं 14,92,00,000 व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित है। इन परिवारों की राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित न होने वाले ऐसे परिवार जो राशन कार्ड के पात्र नहीं है, उन्हें फैमिली आईडी पोर्टल https://familyid.up.gov.in के माध्यम से फैमिली आईडी उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था की गई है। भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु फैमिली आईडी से सहूलियत होगी। जो परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे वो भी स्वेच्छा से फैमिली आईडी प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई आवेदक फैमिली आईडी निर्मित करने के लिए स्वयं आवेदन करता है तो किसी भी प्रकार का यूजर चार्ज दे नहीं होगा, जबकि जनसेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन करने पर ₹30 मात्र का शुल्क जमा करना पड़ेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में स्वीकृता अधिकारी संबंधित उप जिलाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित खंड विकास अधिकारी होंगे। शहरी क्षेत्रों में सत्यापन अधिकारी संबंधित लेखपाल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी होंगे। फैमिली आईडी योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जनपद में कार्यरत संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को फैमिली आईडी पोर्टल की ऑनलाइन प्रक्रिया के संबंध में जनपद में तैनात ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा।
तथा साथ ही यूजर आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि उपरोक्त अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। सांसद विधायक लोगों की पेंशन बंद कराने की मांग संसद तक पहुंचाने के लिए भारत रक्षा दल के विधि मंच के तत्वाधान में एक चिट्ठी लिखो अभियान की शुरुआत गुरुवार को कमिश्नरी कचहरी के अधिवक्ताओं द्वारा की गई। अभियान के बारे में जानकारी देते हुए भारत रक्षा दल के जिला महासचिव रवि प्रकाश ने बताया कि हम लोगों ने देखा कि हमारे माननीय लोगों को बड़ी धनराशि पेंशन के रूप में दी जा रही है, जबकि उनमें अधिकतर लोग करोड़पति अरबपति उद्योगपति हैं। पेंशन के लिए पात्र न होने के बावजूद उन्हें पेंशन दिया जाना देश के साथ अन्याय है। कई सिने स्टार, क्रिकेट स्टार, फार्म हाउस फैक्ट्री के मालिक भी पेंशन उठा रही हैं। अब इस अन्याय के विरुद्ध हमारे विधि मंच के द्वारा इनकी पेंशन बंद कराने के लिए आजमगढ़ से 1,00,000 पोस्ट कार्ड लोकसभा अध्यक्ष को भेजने का लक्ष्य रखा है। आज इस अभियान का शुभारम्भ सेंट्रल बार के अधिवक्ता बंधु द्वारा किया गया। इस अभियान में भागीदारी करने वाले सेंट्रल बार एसोसिएशन मंडल आजमगढ़ के पूर्व मंत्री अजीत सिंह ने कहा कि यह अभियान बहुत ही आवश्यक था, किसी न किसी को आगे आना चाहिए। भारत रक्षा दल की ये पहल बहुत ही सराहनीय है। ये मुद्दा देशव्यापी बनेगा और उम्मीद की जाती है कि नापात्र लोगों की पेंशन बंद होगी। इस अभियान के शुभारंभ में प्रमुख रूप से श्याम नारायण सिंह एडवोकेट, जंग बहादुर एडवोकेट, जयप्रकाश एडवोकेट, सूरज कुमार सिंह एडवोकेट, अजीत सिंह एडवोकेट, हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव एडवोकेट आदि शामिल रहे। किसको भेजना है? ये पोस्ट कार्ड लोकसभा अध्यक्ष को भेजा जा रहा है। इसका मुद्दा ये है कि जो विधायक पेंशन पाते हैं, सांसद पेंशन पाते हैं, और सबसे बड़ी बात जितनी बार जीतते हैं उतनी बार उनको पेंशन मिलता है, ये कहाँ से सही है? इसको रोकने के लिए, बंद करने के लिए भारत रक्षा दल के सौजन्य से 1,00,000 पोस्ट कार्ड लिखे जा रहे हैं और ये लोकसभा अध्यक्ष को भेजे जा रहे हैं। मुद्दा यही है, जो सीनियर स्टार हैं, उद्योगपति हैं और बड़े बड़े घरानों से सांसद हैं, विधायक हैं, उनको भी ये पेंशन प्राप्त होती है, सहज तरीके से प्राप्त होती है, जो भारत के साधारण नागरिकों के, आम नागरिकों के निश्चित रूप से अधिकारों पर कुठाराघात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि कर्मचारियों का पेंशन नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को पेंशन क्यों दिया जा रहा है जिसको उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं महसूस होती है या न दिखाई देती है न होती है। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़ अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुँचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट आरटीओ ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। आईसीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा, एडिशनल ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट आरटीओ ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। डेरिन संदीम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज,
experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. कोई भी व्यक्ति या संस्था रातों रात प्रसिद्ध नहीं हो सकती, इसके लिए सतत प्रयास और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। अपनी इसी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और लगन से कई सालों से निभा रहा है यूपी आजमगढ़ की लच्छी रामपुर हीरा पट्टी इलाके में संचालित बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज देने वाला विजय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और इसका सबसे बड़ा श्रेय और धन्यवाद जाता है हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरबी त्रिपाठी को। इसके अलावा हड्डी जोड़ और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष त्रिपाठी भी सालों से जिले के जो को बेस्ट इलाज मुहैया करा रहे हैं। हॉस्पिटल में निसंतानों को संतान सुख देने के लिए आईवीएफ डिपार्टमेंट को संभाल रही हैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रजनी तिवारी। अस्पताल में हड्डी से जुड़ी सभी समस्याओं के लिए बेस्ट अनुभवी डॉक्टर्स मौजूद हैं। मोती महल डीलक्स सेंट्रल बैंक बिल्डिंग सरावर्ती चौक आजमगढ़। साउथ इंडियन डिशेज अवेलेबल। 7 टाइप्स ऑफ डोसा, छोले भटूरे, बर्गर, पास्ता, रैप्स एंड रोल्स, मटका बिरयानी, फ्री तंदूरी ब्रेड्स इन लंच आर। We are available for kitty, birthday, anniversary, corporate party, farewell party and outdoor catering. Free home delivery. Matka Biryani has starting Champaran very soon. Valet parking available. Moti Mahal Deluxe Central Bank Building, Sadavarti Chowk, Azamgarh. Hotel Park Green Hydel Choraha Sidhari Azamgarh. Swachh aur aaramdayak AC and non-AC rooms. 24-hour room service. North Indian, South Indian, Chinese, Italian veg and non-veg lazeez aur zaikedar vyanjan uchit rate par uplabdh. Shadi vivah, engagement, marriage anniversary, birthday party ke liye large banquet hall. Meeting aur seminar ke liye conference hall. Aapki khushiyon mein lagaye char chand. Hotel Park Green Hydel Choraha Sidhari Azamgarh.